Hey everybody, welcome to my vlog. I am Aishwarya Saxena and आज का vlog एक random vlog है. वैसे तो I am going to मेरा plan है, I am going to सहारागंज और मैं अपनी सिस्टर के साथ सहारागंज जाने वाली हूँ. और simply हम रास्ते में जाएंगे रिवर फ्रंट भी. तो रिवर फ्रंट लखनऊ में रिवर फ्रंट इज़ द रिवर फ्रंट जो कि गोमती नदी के सामने है. तो आई विल ट्राई कि अगर मैनेज हुआ तो मैं वहाँ भी जाऊँगी और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगी ज़रूर से. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को. सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स हज़रतगंज और सिंपली अभी मैं आईटी की तरफ बढ़ रही हूँ. आईटी होते हुए मैं हज़रतगंज जाऊँगी और प्लान तो है मेरा कि रिवर फ्रंट बीच में रहेगा तो हम रिवर फ्रंट भी जाएं और थोड़ा सा हम आपको रिवर फ्रंट दिखाएं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और इवनिंग का टाइम है तो बहुत मज़ा आने वाला है. सो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं यहाँ हनुमान सेतु के पास जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर हम आए हैं. तो मैं आपको ज़रूर से दिखाने जा रही हूँ. अभी मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा देती हूँ एंड देन आई विल गो देयर. तो हम आ गए हैं रिवर फ्रंट में और सिंपली बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं दोबारा ही आ रही हूँ यहाँ पर. एक्चुअली पहले कई बार आ चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट इट्स रिटन गोमती रिवर फ्रंट. तो यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं एंड लेट्स मूव इनसाइड. इट्स रियली ब्यूटीफुल. मुझे तो ये प्लेस काफ़ी अच्छी लगती है. खाली खाली सा है यहाँ पर सिंपली लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है. काफ़ी सुकून वाली जगह है ये. और इस वक्त बजा है शाम का 5:30 और आप सूरज को देख सकते हैं. सूरज इज़ ऑलमोस्ट ढल रहा है. कितना अच्छा सा एक मौसम है इस वक्त. बारिश तो नहीं हुई आज. मौसम सही था पूरे दिन लखनऊ का. सो प्लेस इज़ गुड और इट्स रिवर फ्रंट. हम लोग अभी गोमती नदी के पास हैं और गोमती नदी के तट पर खड़े. सो चलते हैं वापस. यहाँ से निकल रही हूँ मैं रिवर फ्रंट से ताकि हम जा सकें सहारागंज की तरफ क्योंकि धीरे धीरे तो शाम हो ही जानी है. यहाँ से सहारागंज लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा. सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला यहाँ से पहुँचने में. तो आ गए हैं हम सहारागंज और मैं चल रही हूँ पार्किंग की तरफ. गेटिंग इन साइड द सहारागंज. और ये पार्किंग तो काफ़ी फुल है. काफ़ी भीड़ होने वाली है अंदर मुझे उम्मीद है. देख के तो लग रहा है पार्किंग में तो काफ़ी भीड़ है. ऐसा क्यों लग रहा है देख के कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. काफ़ी जगह रोक लगी हुई है. वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सहारागंज के अंदर. Although I am moving, घूम के थोड़ा आना पड़ा बट हाँ I am moving towards the entrance. So getting in. So friends, मैं आ गई हूँ सहारागंज में और यहाँ पर coincidentally चल रहा है construction. So पता नहीं I think escalators जो हैं उसमें कुछ कर रहे हैं लोग बट पूरा सहारागंज अंदर construction है. आप देख सकते हैं. सो वैसे तो बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं बट हाँ कुछ कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन वर्क है ऑन. लेट मी शो यू. यहाँ पर बंद है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. कुछ बना रहे होंगे लोग न्यू. ड्रेसेस आर नाइस हेयर एंड ऑल्सो द इयर रिंग्स वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स हैव सम आइसक्रीम. और मैंने लिया है ब्लैक करंट और चॉको चिप.
फोर्थ फ्लोर पे तो सभी बंद है, एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सारी शॉप्स भी क्लोज कर रखी हैं, बिग बाजार स्मार्ट बाजार भी खाली है। वापस नीचे आ गई हूँ मैं अब फोर्थ फ्लोर से, क्योंकि वहाँ तो सभी कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पर। तो मैं आई थी सारागंज एंड अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये देख के तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था कुछ ले भी नहीं पाए, और लेना तो दूर की बात है, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन, इवन द एक्सेलेटर्स एलिवेटर सब कुछ, तो फिर सीढ़ियाँ ही चढ़ते रह गए। बाहर भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सब, नवीनीकरण हो रहा है, नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। चलो, इन लोगों ने असुविधा के लिए खेत तो बोल ही दिया है, दे आर सॉरी अबाउट इट। सो मैं आ गई हूँ बाहर सहारागंज के, और जा रही हूँ मैं हजरतगंज मार्केट की तरफ। दिस वन इज माई फेवरेट रोड, यहाँ हमेशा खाली रहता है और काफी स्मूथ रोड है ये वाली। सो अब मैं मूव कर रही हूँ हजरतगंज की तरफ, हजरतगंज मार्केट। यहाँ तो काफ़ी रश मिलने वाला है पक्का, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही रहती है। बट हाँ, थोड़ा सा इधर आ गए आज बहुत समय बाद, शाम को हजरतगंज आए हैं, शाम की रौनक ही अलग होती है यहाँ पर। सो नाउ मूविंग बैक टूवर्ड्स होम, और आप देख सकते हैं मेट्रो जा रही है। सो फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुकी हूँ, और आपने देखा आज क्या हुआ। रिवर फ्रंट वॉज ओके, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया था। लेकिन मैं सिंपली जब सहारागंज पहुँची तो इतना ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतने सालों में, लाइक 2005 में इस्टेब्लिश हुआ है सहारागंज, और वहाँ पर हमेशा ही अच्छा सा रहता था। इस वक्त मैं गई आज इतने समय बाद, मतलब काफ़ी समय दिन बाद मैं गई थी, तो वहाँ पर रिनोवेशन चल रहा था। इट इज़ अ नाइस थिंग, कार्य प्रगति पर है और नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इट वॉज रिटन देयर, रिनोवेशन हो रहा था। बट हाँ, सारी शॉप्स लाइक देवर चेंज, जो भी वहाँ पर बिग बाज़ार था वो भी बंद था, वहाँ पर सब कुछ चेंज हो रहा था। और लाइक इट वॉज रियली, क्या बोलूँ, मैं गई थी ये सोचा था कि चलो वहाँ कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी, थोड़ा सा हम शूट भी करेंगे कि लाइक आपको भी दिखाते, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, बिकॉज एक्चुअली 90% जो था वो रेनोवेशन पे था। और ये तभी मुझे लगा कि काफ़ी डिफरेंट सी लाइक बात हुई कि पूरा का पूरा सहारागंज ही रेनोवेशन पर है, और ऐसा नहीं था कि वहाँ लोग नहीं थे, पीपल वर कमिंग बिकॉज नो बडी वॉज नोइंग दैट एक्चुअली इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अंदर से पूरा का पूरा रेनोवेशन पे था, एंड दैट वाज रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी टुडे। फिर आई जस्ट हैव गॉन थ्रू द सहारागंज रोड्स, तो आपने देखा ही होगा, ओह सॉरी हजरतगंज रोड्स, तो आपने देखा ही होगा। ऑल्दो आई एट द आइसक्रीम एंड दैट वाज नाइस, आइसक्रीम अच्छी थी, जैसे कि गजल कुल कॉर्नर की होती है, कुछ खास अंतर नहीं था, इट वॉज द सेम। वैसे कंपनी का डिफरेंस है, लाइक गजल कुल पर दूसरी कंपनी की रहती है, और यहाँ पर आई थिंक वेरी लाल की थी, बट इट वॉज़ ओके, आइसक्रीम अच्छी थी, और आइसक्रीम वैसी ही थी जैसे होती है। एक ही चीज़ अच्छी हुई वहाँ पर जाके जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना वहाँ कहीं बैठ पाए, ना कहीं फूड कोर्ट ओपन थे, कुछ नहीं था, मैकडोनल्ड भी बंद था, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वहाँ चेंज होके पूरा का पूरा लाइक एक किसी, आई डोंट रिमेंबर द कंपनी राइट नाउ, किसी फ़ोन का लाइक शोरूम ओपन हो गया था। सो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए, अभी मैं आई थिंक एक दो महीने बाद जाऊँगी शायद, तब और अच्छा रहेगा वहाँ पर जाना। वैसे तो नया नहीं है, इट इज़ ओल्ड, बट व्हेन आई वेंट टुडे लाइक सिंपली इट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और आप में से कितने लोग सहारागंज जा चुके हैं लखनऊ में वो भी मुझे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आपके लाइक और कमेंट मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, सो प्लीज़ लाइक
का वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट ज़रूर से कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरा वीडियो देखा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.